अंत में मैं जो बिल लेकर आया हूं, अंत में मैं जो बिल लेकर आया हूं वो सालों से जो वंचित थे, अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि, अपनी जायदाद छोड़कर अपने ही देश में निराश्रित हो गए, ऐसे लोगों को अधिकार देने का लेने का बिल है। जिनका देश ही छूट गया ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है, और जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का ये बिल है। मैं अतः सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी का आप जरूर विरोध करिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का भी करिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी करिए, मगर बिल का उद्देश्य बहुत पवित्र है। कम से कम पिछड़ा वर्ग के लोग और हमारे विस्थापित हैं उनकी ओर देखते हुए आप समर्थन करिए और इसको सर्वानुमत से पारित करिए। देखिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो यहाँ बिल किया, मैं पहले गुजारिश करूंगा जरा उसमें देखिए जो माइग्रेंट है उसकी डेफिनेशन क्या आपने दी। आप देखिए बिल पर, आप जस्ट हैव अ लुक ऑन द बिल। जो कश्मीरी माइग्रेंट है उसका डेफिनेशन आपने खुद दिया है एक्सप्लेनेशन में, क्या डेफिनेशन है प्लीज आप हैव अ लुक ऑन द बिल। बात यह है आप देखिए डेफिनेशन क्या है, देखिए कोई भी देखिए डेफिनेशन आपने दी है वो सब जिनको डिफाइन किया गया है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1996 में। देखिए आपने अपनी में उसका जो डेफिनेशन दी है क्या डेफिनेशन, और वो एक्ट किसने बनाया, जब आप सारे इल्जाम पर इल्जाम दे रहे विस्थापित भी, मैं तो यही कह रहा हूँ विस्थापित भी आपने ही किया है। क्या आप क्या बोल रहे हो जनाब? आपने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला स्टेट, आपने सही कहा, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया, बल्कि ये ऑब्जर्व किया कि हम पावरलेस नहीं है कि हम अंडू करें अगर ये कोई कदम उठाएंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तीसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि डिक्लाइन किया, अब दो मिनट कीजिए ना, आपने डिक्लाइन नहीं किया, रिफ्यूज नहीं किया। दूसरी बात तो जनाब आपने कहा टेम्पररी की बात, तिवारी जी नो सबको नहीं। मनीष तिवारी जी कांट स्पीक ओवर हिम, कांट स्पीक ओवर।